आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ सुमित। और भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, जबकि शुरुआत तेजी के साथ हुई, फिर बिकवाली आई ऊपरी स्तरों से और उसके बाद लोअर लेवल से शार्प रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट कर रहे थे आज के सत्र में, और सेलेक्टिव पॉकेट्स जैसे कि टायर हुआ, जैसे कि सीमेंट हुआ, रियल स्टेट हुआ, वहां पर एक जोरदार खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिली। लेकिन एक अच्छा सत्र कह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जो था वो जरूर देखने को मिला, अलग अलग नतीजों के आधार पर, अलग अलग ट्रिगर्स के आधार पर। चलिए आज के सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे, अपने जानकारों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले सचिन रुत्तेकर हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सचिन, मार्केट्स को लेकर एक व्यू दीजिए आप, क्योंकि बाजार में काफी उतार चढ़ाव है, तो तेजड़ियों के मन में भी सवाल है कि क्या होगा और मंदड़ियों के मन में भी सवाल है क्या होगा। आप जवाब दीजिए, किसकी तरफ ऊंट बैठेगा, किस करवट? गुड इवनिंग सुमित। इनफैक्ट जिस तरीके से आज का सेशन रहा है, काफी वोलेटिलिटी देखी गई है, बट जिस तरीके से निफ्टी बैंक यहाँ पर लीडरशिप होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर जवाब उसी के पास होगा। क्योंकि अगर हम निफ्टी का डेटा देखें तो क्लियरली 12,060 एक निर्णायक लेवल होगा, जिसके ऊपर मुझे लग रहा है कि मोमेंटम काफी स्ट्रांग होना चाहिए। बट सिंस कल की एक्सपायरी पे हम खड़े हैं, जिस तरीके से फिलहाल ये डेटा यहाँ पर प्लेस्ड है ऑप्शंस का, यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 11,850 से लेके 12,000 तक ये पर्टिकुलर रेंज हो सकती है कल के सेशन के लिए। ऑप्शन पेन अगर हम देखें तो कहीं जाकर फिलहाल तो 11,900 के आसपास की एक्सपायरी बता रहा है, बट मुझे लग रहा है कि कल की ओपनिंग काफी इंटरेस्टिंग होगी। अगर ओपनिंग थोड़ी सी कॉन्फिडेंट रही, 11,960 के ऊपर अगर ओपनिंग आ जाती है और थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो जाता है मार्केट, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर 12,000-12,050 के आसपास की एक्सपायरी होनी चाहिए। बट बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है, एंड मुझे लग रहा है यही पर कहीं जाकर इसका जवाब मिलना चाहिए कि किसके पल्ले में कल की एक्सपायरी होगी। तो जिस तरीके से अभी फिलहाल रुझान है, मुझे लग रहा है कि 25,000 का जो हेडरूम है वो अभी भी ओपन है, एंड मुझे लग रहा है वहां तक एक पर्टिकुलर स्विंग जरूर बनना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, नीचे जो सपोर्ट अभी यहाँ पर कॉन्फिडेंटली बिल्ट है वो 24,000 के आसपास की है। आज के सत्र में भी वही से एक अच्छी रिकवरी हुई थी, एंड मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक्सपायरी 24,500 से लेकर 25,000 इस पर्टिकुलर रेंज में होनी चाहिए। जी चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास आया है अजय का, ये मंडी से सवाल है, हिमाचल प्रदेश से। M&M फाइनेंशियल को लेकर सवाल है, 3,000 शेयर है 125 रुपए के दाम पर। सचिन, क्या से देख रहे हैं आप M&M फाइनेंशियल को? देखिए, एक साइडवेज कंसोलिडेशन में रहा है काउंटर। इनफैक्ट अगर ओवरऑल रेंज देखे तो काफी समय से इस पर्टिकुलर रेंज में उसने समय निकाला है, अराउंड 120-125 एक अच्छा सपोर्ट रहा है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, जो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो लगभग अराउंड 145 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ी देर और ऑस्किलेट होना चाहिए। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह होगी, एक तो 20 का स्टॉप लॉस उनको लगाना चाहिए, एंड 140-145 के रेंज में आ जाता है वहां पर अपनी पोजिशन रिव्यू करनी चाहिए। जी, तो आपको रणनीति बताई गई है, आप उसके लिहाज से ही अपनी पोजिशन को देख सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद है, प्रफुल है पुणे से बातचीत करने के लिए। प्रफुल जी नमस्कार। प्रफुल जी आप सुन पा रहे हैं? प्रफुल जी आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनका सवाल है, लॉजिस्टिक कंपनी है, 99 रुपए के दाम पे खरीदारी की है इन्होंने, शायद ऑल कार्गो लॉजिस्टिक की बात यहां पे हो रही है। सचिन, ऑल कार्गो के ऊपर आप या स्नोमैन लॉजिस्टिक के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? राधा दोनों पे सवाल पूछ लेते हैं। देखिए, ऑल कार्गो पे तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक बुलिश बायस रखना चाहिए, क्योंकि काफी समय के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक सस्टेन्ड अप मूव रखी है, एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस है विद इन दी लॉजिस्टिक्स स्पेस, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बुलिश बायस मेंटेन रखना चाहिए। ऑल कार्गो के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 110 के आसपास का, जब तक ये पर्टिकुलर लेवल होल्ड हो रहा है तब तक मुझे लग रहा है रुझान ऊपर ही होना चाहिए, अराउंड 145 से 165 के प्राइस टारगेट एक्सपेक्टेड है। एंड अगर हम स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर ट्रेंड थोड़ी सी वीक रही है, बट पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन स्टेजेस में है, जिसका ब्रेकआउट लेवल अराउंड 38-39 के आसपास है। तो अगर वो पर्टिकुलर लेवल सस्टेन हो जाता है और क्लोजिंग आ जाती है तो वहां पर भी एक छोटी सी अपमूव बन सकती है, 44-45 के स्विंग्स बनने चाहिए, बट स्टॉप लॉस क्लियरली यहाँ पर लगाना चाहिए उनको 34 का, अगर उनकी पोजिशन स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में है तो। ओके, तो आपको रणनीति दोनों ही लॉजिस्टिक कंपनी बताई गई है, आप उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। रामचंद्र जी हमारे साथ मौजूद है मुंबई से। रामचंद्र जी नमस्कार। रामचंद्र जी आप सुन पा रहे हैं?
हाँ जी सुन पा रहा हूँ सर। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार जी, मेरा सवाल है सर, मेरे पास ऑरो बिंदु फार्मा है 550@836 एंड IGL है 400 शेयर @425। ओके सचिन, कंपनी तो दोनों अच्छी हैं, और अरबिंदो फार्मा भी बढ़िया कंपनी है और IGL भी अच्छी कंपनी है, थोड़ी ऊपरी स्तरों पे जरूर खरीदारी है और इसलिए लॉस भी नहीं अभी हो रहा है। IGL में भी करीब करीब 44-45 रुपए का लॉस है और अरबिंदो फार्मा में भी लॉस है। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन मान के चलें तो आप क्या रणनीति रख सकते हैं? देखिए, अरबिंदो फार्मा में क्लियरली यहाँ पर एक अच्छे कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक अटका हुआ है, जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर रही है और ओवरऑल परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए वापस और स्टॉक थोड़ा सा ऐड करने के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल इसका सेटअप है, मुझे लग रहा है अराउंड 550 की जो उनकी खरीदारी है, सॉरी 830 की जो खरीदारी है वो काफी अच्छे लेवल की है। इनफैक्ट सपोर्ट के लिहाज से देखें तो 750-780 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन है एंड इस पर्टिकुलर जोन के काफी नजदीक है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको पोजीशन अपनी और ऐड करनी चाहिए। स्ट्रक्चर कहीं पर भी वीक नहीं है, एक साइडवेज जोन में है, मुझे लग रहा है यहाँ से वापस एक बार 900 तक एक उछाल आ सकता है अगले कुछ महीनों में। तो यहाँ पर 755 के स्टॉप लॉस के साथ तो इनको अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। IGL की अगर हम बात करें तो पिछले 5 महीनों के गिरावट के बाद काफी अच्छे संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस पर्टिकुलर काउंटर में अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो ऑलरेडी एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हो चुका है एंड कहीं जाकर इसके ट्रेंड इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो चुके हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर काफी अच्छा समय है जहाँ पर फ्रेश लॉन्ग एडिशन किए जा सकते हैं, फ्रेश कमिटमेंट लिए जा सकते हैं, 350 का स्टॉप लॉस उनको लगाना चाहिए एंड मुझे लग रहा है 4-6 महीने में ये पर्टिकुलर स्टॉक वापस 500 इस पर्टिकुलर रेंज में स्विंग होना चाहिए। तो एक अच्छे डिमांड जोन पे है जहाँ पर मुझे लग रहा है अक्यूमुलेट करना चाहिए IGL। तो आपको रणनीति बताई गई है IGL के लेकर भी और अरबिंदो को लेकर भी, और अरबिंदो वैसे भी फार्मास्यूटिकल स्पेस में सबसे सस्ता शेयर है, तो उस लिहाज से भी आप उस पर नजर रख सकते हैं, अच्छे दाम पर अवेलेबल है। चलिए अब कामेश्वर जी से बातचीत करते हैं, रांची से हमारे साथ मौजूद है प्रसाद साहब। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, मैं सुन रहा हूँ जी, पूछिए आपका सवाल। मेरा 2 प्रश्न है सर। ओके। एक तो गोदरेज प्रॉपर्टी जो है जो 855 के रेट पर खरीदा हुआ है, और दूसरा है अल्केम लैब जो 2775 के रेट पर मैंने खरीदा है, उसमें मुझे काफी लॉस हो रहा है जी, तो आप बताया जाए कि मैं इस परिस्थिति में क्या करूं। चलिए सचिन, इन्हें एक शेयर लैब 2775 के रेट में खरीदा। ओके सचिन, गोदरेज प्रॉपर्टी में तो अच्छा मुनाफा है, आज शेयर चला भी है काफी, 1041 पहुंच गया, अब ये मुनाफे को लेकर निकल जाए बने रहे, पहला सवाल तो ये। दूसरा अल्केम लैब इनके पास है, कंपनी अच्छी है, थोड़ा ऊपरी स्तरों से जरूर नीचे आया है लेकिन वैसे नहीं, खरीदारी ठीक ठाक हायर लेवल्स पर है, क्या किया जाए? देखिए क्लियरली गोदरेज प्रॉपर्टीज में तो पिछले 2 दिनों से एक स्ट्रांग मोमेंटम है, जिस तरीके से इसका सेटअप है मुझे लग रहा है 1160-1180 जो इसके लाइफ टाइम हाई लेवल्स है, मुझे लग रहा है वहां तक तो इमीडिएट बेसिस पे स्विंग देखना चाहिए, क्योंकि काफी बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। उस पर्टिकुलर चैनल का अगर हम टारगेट देखते तो वो कहीं पर जाके 1150 के आसपास ही कोइंसाइड हो रहा है, तो यहाँ पर क्लियरली उनको जो मुनाफा हो रहा है वो मेंटेन करना चाहिए, पोजीशन अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे होल्ड करनी चाहिए। मुझे लग रहा है 945 अभी यहाँ से एक निर्णायक लेवल होगा एंड जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है 950 के आसपास, मुझे लग रहा है वापस इस पर्टिकुलर लेवल के अंदर नहीं आना चाहिए, तो क्लियरली इनको अपना ये जो ट्रेंड है वो राइड करनी है, 1160 जैसे ही आ जाता है वहां पर अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। एंड अल्केम लैब भी अगर हम देखें तो पिछले 2-2.5 महीने से थोड़ा सा साइडवेज जरूर है बट वहां पर वीकनेस नहीं है, मुझे लग रहा है उसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है लगभग अराउंड 2530 के आसपास है, तो वहां तक अगर स्लाइड होता है तो मुझे लग रहा है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जहां पर स्टॉक और अक्यूमुलेट करना चाहिए, थोड़ी सी पेशेंस टेस्ट करेगा काउंटर, बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है अगले कुछ महीनों में वापस अराउंड 3200-3300 तक के स्विंग्स बनने चाहिए, तो 2-4 महीने के यू नो अपमूव के बाद 2 महीने का कंसोलिडेशन हो रहा है जो मुझे लग रहा है काफी हेल्दी है, तो यहाँ पर भी मेरी सलाह होगी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 2530 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन होल्ड कीजिए जी। तो आप बने रहे, आप घबराए नहीं, कंपनी अच्छी है, थोड़ा समय दीजिए, आपको यहां पर भी प्रॉफिट आएगा और गोदरेज को तो आप अच्छा प्रॉफिट ले ही रहे हैं तो उसमें आप बने भी रह सकते हैं। एक सवाल अजय प्रताप जी ने भेजा है ट्विटर पे, सवाल आया है प्रिंस पाइप्स को लेकर, इनके पास करीब 1000 शेयर हैं और 160 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 160 पर है और मुनाफा भी है 74 रुपए पर शेयर का, सचिन क्या किया जाए, लेकर निकल जाए बने रहे अभी?
देखिए प्रिंस पाइप का डेटा इतना नहीं है, बट जिस तरीके से एक अगस्त के सत्र में एक ब्रेकआउट हुआ था, राउंडिंग सॉसर पैटर्न यहाँ पर एस्टैब्लिश हो चुका था अराउंड 190-200 के आसपास, तो उस पर्टिकुलर पैटर्न का अगर हम टारगेट देखें तो लगभग अराउंड 130 रुपए की मूव है जो कंप्लीट करनी है उसे, एंड उसी लिहाज से अगर हम देखें तो अराउंड 260-330 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा मुनाफा बांध सकते हैं बट बाकी पोजीशन आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से होल्ड करनी चाहिए। फिलहाल जो स्विंग बना था अराउंड 210 के आसपास का, मुझे लग रहा है वहीं पर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए एंड बैलेंस पोजिशन जरूर होल्ड करनी चाहिए 330 के फाइनल टारगेट के लिए। तो आप फिलहाल तो बने रहें, आपको प्रॉफिट तो हो ही रहा है, आप उसे ट्रेल करें और अपने प्रॉफिट्स को धीरे धीरे करके बढ़ाते रहें और जैसे जैसे बढ़ता रहे या फिर पार्शियली लेकर निकल जाएं ऊपरी स्तरों पर, वो आपको रणनीति बताई गई है। लेवल्स का आप जरूर ध्यान रखें और नंबर्स पे जरूर ख्याल रख सकते हैं। अब चेन्नई चलते हैं, मनीषा जी वहां पर मौजूद है। मनीषा जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मनीषा जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। स्टेट बैंक मैंने लिया था 194.50 में एवरेज किया था। ओके खरीदारी कब की मनीषा जी? मैंने 10 दिन पहले। ओके सचिन, लकी फ्यू है जिन्होंने लास्ट लैग SBI के 194-195 जब था तब खरीदारी की है, उसके बाद बड़ी मुश्किल से SBI मुशक्कत के बाद 200 पार हुआ और 204 पे अब काम काज कर रहा है। ये 211-12 तक जाएगा और ज्यादा जाएगा, क्या किया जाए इसमें? सुमित, इनफैक्ट यही पे अराउंड 188-190 इस पर्टिकुलर जोन में हमने भी अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है वहां पर एक्सपेक्टेशन यही थी कि जो रिबाउंड होना चाहिए वो लगभग 200-210 के स्विंग बनने चाहिए, तो मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर काफी हेल्दी है, वापस रोटेशन काफी अच्छा हुआ है बैंकिंग में एंड जिस तरीके से ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी भी प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 196 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उनको अपनी पोजिशन होल्ड करनी चाहिए। इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो लगभग अराउंड 215 के आसपास आता है, तो मुझे लग रहा है 215 से 220 के स्विंग्स के लिए उनको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए क्योंकि काफी अच्छे लेवल्स पे आपने ये पर्टिकुलर पोजीशन बनाई है, तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दीजिए, आपके कॉस्ट पे थोड़ा सा ऊपर होगा बट जिस तरीके से मुनाफा बन रहा है मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा अल्फा मिल सकता है अगर थोड़े दिन का पेशेंस रखें एंड रिव्यू करनी चाहिए पोजीशन अराउंड 215 से 220 इस पर्टिकुलर जोन में। तो मनीषा जी आपको लेवल्स बता दिए गए हैं और आप बनी रह सकती हैं, थोड़ा ऊपर जाए तो 215-220 के आसपास आप अपनी पोजीशंस को रिव्यू करिए और एक बड़ी तेजी की उम्मीद यहां लगा सकती हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, जो भी प्रॉफिट है उसे लॉक करके ही रखिएगा। इसके अलावा अब एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं एक स्पेशल कैंपेन, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, निवेशकों में जागरूकता बढ़ावा देने के लिए खास पहल है। जिस तरह से हम अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी जांच करते हैं, उसी तरह एक समझदार निवेशक को भी किसी भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसे पढ़ना जरूर चाहिए और ये बात आपको और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं सचिन, क्योंकि उनके बहुत सारे क्लाइंट हैं और इस तरह के ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे जहां पर डॉक्यूमेंट साइन ना करने की वजह से या ठीक से ना पढ़ने की वजह से क्राइसिस खड़े होते हैं। सचिन क्या कहेंगे आप? सुमित, डेफिनेटली एक बेसिक रिक्वायरमेंट है एंड एक बेसिक हाइजीन आपको मेंटेन जरूर करनी चाहिए। इनफैक्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में अगर आप कोई स्पेस ब्लैंक छोड़ रहे हैं तो वहां पर डेफिनेटली वहां पर उसको क्रॉस आउट करना चाहिए, वहां पर ब्लैंक स्पेसेस नहीं रखने चाहिए, जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करनी चाहिए एंड ड्यू डिलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर चेक्स, आपके जो स्टेटमेंट्स है वो रेगुलरली आपको चेक करने चाहिए। आई थिंक मार्केट में अगर हम देखें तो NSE और ब्रोकर्स दोनों आपको काफी अच्छी तरह अपडेट देते हैं अपने हर एक ट्रेड के बारे में जो आपको अपने SMS और ईमेल्स के द्वारा बताए जाते हैं, बट इनको जरूर आपको रिव्यू करना चाहिए पीरियोडिकली एंड क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए अपने ब्रोकर के साथ। तो आप ध्यान से संभल कर उसके बाद ही ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें और सभी डॉक्यूमेंट्स को थरली चेक करें ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में आपको ना हो। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, सचिन मौजूद है आपके सवालों के जवाब देने के लिए, बातचीत करते हैं उनसे आगे भी और कुछ और दर्शकों से भी, छोटे से ब्रेक के बाद।
अब देख रहे हैं कल का बाजार। हमारे साथ आज के जानकार सच्चिदानंद उत्तेकर मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना से नीतीश मौजूद हैं। नीतीश जी नमस्कार। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार नीतीश जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर इंडिया बुल्स में 1800 क्वांटिटी बाय किया था 212 के प्राइस पे। इंडिया बुल्स कौन सा वाला नीतीश जी? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ओके, और कितना टाइम दे सकते हैं आप इसे? इसे मैं साल दो साल दे सकता हूँ सर। ओके सचिन, 212 पे खरीदारी, 150 रुपए का भाव, 1800 शेयर है इनके पास, बड़ी क्वांटिटी है और टाइम भी दे सकते हैं, क्या करा जाए, फंस गए हैं काफी? देखिए फंस तो गए हैं, बट यहाँ पर ट्रेंड काफी वीक रही है। बट यहाँ पर एक अच्छा कैवियट है कि जिस तरीके से पिछले 4 महीनों से डेटा बन रहा है, यहाँ पर 140 के आसपास का जो स्विंग बना है वो काफी इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है अगर यू नो अगर यहाँ से रिवाइवल होना है तो ये पर्टिकुलर लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए काउंटर। एंड जिस तरीके से पिछले 6 महीने का कंसोलिडेशन है, मुझे लग रहा है वहां पर अगर एक रिवाइवल आ भी जाता है तो अराउंड 240-260 ये काफी इंपॉर्टेंट जोन होगा काउंटर के लिए। तो फिलहाल मुझे लग रहा है उनको 140 का स्टॉप लॉस से पर्टिकुलर पोजीशन होल्ड करनी ही चाहिए। बट अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली उनको समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये काफी बड़े डाउनवर्ड ट्रेंड में रहा है काउंटर, एंड कुछ समय के लिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बैंड नजर आ रहा है, बट वो होल्ड तभी होगा जब वो 140 के ऊपर ट्रेड करेगा तभी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 140 का स्ट्रिक्टली उनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर मार्केट के साथ यहाँ पर स्टॉक में भी रिवाइवल आ जाता है तो 250-260 ऐसा जोन होगा जहां पर उनको अपनी पोजिशन रिव्यू करनी चाहिए। जी सचिन जी, आपके लिए, नीतीश जी आपके लिए राय यही कि आप 141 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, लेकिन इस स्टॉक में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है आम तौर पे भी, तो पहली कोशिश यही करिए कि कभी भी तेजी मिले, लॉस कम हो, आप निकल जाएं, कहीं और निवेश करें, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अच्छा एक सवाल सपना जी का आया है, सवाल है इनका सोनाटा सॉफ्टवेयर के ऊपर, 345 रुपए के भाव पे खरीदारी है और करीब 100 शेयर है, तेजी काफी दिखाई है सचिन सोनाटा ने, अब क्या करना चाहिए इसमें? देखिए थोड़ा सा मुनाफा बांध देना चाहिए क्योंकि अराउंड 360-365 के आसपास के जो स्विंग्स बने थे वहां पर काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, एंड जिस तरीके से पिछले 7 महीनों की एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस मेंटेन्ड है तो मुझे लग रहा है वहां पर उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए अराउंड 320 के आसपास बैलेंस पोजिशन के लिए। फिलहाल ट्रेंड तो वीक नहीं है बट काफी बड़े रेजिस्टेंस जोन के आसपास स्टॉक वापस आ चुका है, लगभग अपने 2018 के लेवल के आसपास स्विंग कर रहा है, तो मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ा सा कॉशियस जरूर होना चाहिए, थोड़ा सा मुनाफा बांध दीजिए एंड बैलेंस पोजीशन आप 320 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन कीजिए। फेसबुक के जरिए राजेश कुमार सिन्हा ने एक सवाल पूछा है, ग्रेफाइट इंडिया पर करीब 1900 शेयर है और 205 रुपए के दाम पर है, ये काफी बड़ा साइक्लिकल मूव स्टॉक में देखने को मिला और पहले भी एक ड्रीम रन दिखा चुका है, उसके बाद अब फिजल आउट हुआ है, क्या करना चाहिए सचिन इसमें अब? देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल होगा 150 का, अगर वो पर्टिकुलर लेवल मेंटेन हो जाता है तो मुझे लग रहा है जो कंसोलिडेशन या एक ऑस्किलेशन रेंज में स्टॉक अटका हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ब्रेकआउट की। ब्रेकआउट लेवल लगभग अराउंड 210 के आसपास का है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको पोजिशन अपनी मेंटेन करनी चाहिए। 210 अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है ऑन वीकली बेसिस तो काफी बड़ी मूव यहाँ पर अनलॉक होगी, अराउंड 265 से लेके 280 इन पर्टिकुलर लेवल्स के आसपास स्विंग कर सकता है, एंड जिस तरीके से ये स्टॉक का नेचर है काफी जल्द ये पर्टिकुलर लेवल देखे जा सकते हैं, बट कैवियट यही होगा कि 210 का जो बैरियर है वो वीकली बेसिस पे से क्लोज करना पड़ेगा। ओके अनिल जी ने एक सवाल पूछा है ग्वालियर से, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे 300 शेयर है 35 रुपए के दाम पर, काफी फिजल अभी बस जो है वो क्रिएट हुआ इक्विटास की वजह से, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के आईपीओ की वजह से, आप क्या राय रखते हैं, क्या करना चाहिए टेक्निकली इसमें? ठीक है फिलहाल तो होल्ड करना चाहिए क्योंकि 30 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है एंड रेजिस्टेंस काफी वेल डिफाइंड है अराउंड 40 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है फिलहाल इसी पर्टिकुलर रेंज में लॉक्ड इन है तो 30 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। बैंक्स में एक रिवाइवल हो रहा है तो यहाँ पर भी अगर एक पुल बैक आ जाता है तो अराउंड 37-38 ये एक अच्छा जोन होगा जहां पर उनको अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। एक सवाल विजेंद्र सिंघल ने भेजा है वेदांता के ऊपर, 600 शेयर है 102 रुपए के दाम पे, शायद आजकल में इन्होंने खरीदारी की है, ट्रिगर भी है यहाँ पे डिविडेंड आने का और हिंदुस्तान जिंक की तरफ से बाकी पास ऑन होने का, लेकिन अभी तो फिलहाल इन्हें लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए इन्हें?
देखिए मुझे लग रहा है यहाँ पर पोजीशन उनको होल्ड करनी चाहिए, और अगर 6 महीने से ज्यादा का उनका टाइम फ्रेम है तो 74 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन आपको होल्ड करनी है। मुझे लग रहा है हाल फिलहाल में थोड़े से और कंसोलिडेशन हो सकती है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इसमें यू नो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ से एक रिवाइवल एस्टैब्लिश हो जाता है तो वापस अराउंड 170-180 के स्विंग्स बनने चाहिए अगले कुछ महीनों में, तो काफी अच्छे जंक्चर पे है काउंटर। अगर लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए 74 के स्टॉप लॉस के साथ। तो आप 74 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, डीप स्टॉप लॉस है, लेकिन अब न्यूज फ्लो भी है, ब्रोकर हाउसेस भी है मान रहे हैं कि 140 रुपए तक की 40 में देखने को मिल सकती है मैक्स। लेकिन आप अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से उतरे हैं तो आपको राय सचिन ने साफ कर दी है कि आपको कहां स्टॉप लॉसेस और कहां टारगेट मेंटेन करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर चर्चा करने के लिए। इसी नोट के साथ अब कार्यक्रम को ही समेटेंगे, लेकिन एक अहम सत्र जो है वो आने वाला है, यानी कि वीकली एक्सपायरी है, तो आप उस लिहाज से संभल कर ध्यान से फिर अपडेट करिएगा। नमस्कार।